हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी में प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है और प्लांट जियोमेट्री क्या होती है, यानी कि पौधों की संख्या क्या है या फिर प्लांट डेंसिटी इसको बोल सकते हैं, पौधों का घनत्व और प्लांट जियोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन, इसके पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट क्या होता है, ठीक है। प्लांट किसको कहते हैं? तो प्लांट क्या है कि प्लांट इज ए लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड एंड यूजुअली हैज लीव्स स्टेम एंड रूट्स। प्लांट क्या है? एक जीवित वस्तु है, लिविंग थिंग्स है, दैट ग्रोज, जो उगता है कहाँ पे? ग्राउंड पे उगता है, और उसमें जो है अधिकतर क्या है, उसमें पत्तियां पाई जाती हैं, तना पाया जाता है और जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। इसी को प्लांट्स बोलेंगे, लेकिन साथ साथ और भी इसके बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। जैसे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स मीनिंग दे मेक दिस आवर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, यानी कि यह जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और किसके थ्रू ये बनाता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए जो है अपना भोजन खुद अपने से बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए कि लाइट होना चाहिए, सोलर रेडिएशन होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? पौधों की पत्तियों से मिलता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो यानी कि प्लांट क्या है? प्लांट जो है जिसमें तना, पत्तियां, तना, जड़ें होती हैं, जो ग्राउंड पे या सतह पे उगाया जाता है, मिट्टी में उगाया जाता है, और जो अपना भोजन स्वयं स्वयं जो है बनाता है, ऑटोट्रॉप्स होता है, वही जो है प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट को, प्लांट का अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम यानी कि प्लांट जो है किसमें? प्लांटिक ग्रुप में आता है, पादप जगत में आता है। तो ये प्लांट हो गया। अब क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स यानी फसल किसको कहते हैं, ठीक है। तो फसल क्या है? ए क्रॉप इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स। क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, पौधों का समूह है, दैट आर कल्टिवेटेड, जिसकी हम जो है खेती करते हैं, कहाँ पे? एट वन प्लस, किसी एक स्थान पे, हम लार्ज स्केल फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस, इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। यानी कि जो फसल होती है वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है, पौधों का एक जो है समूह होता है, किसी एक पौधे का समूह होता है, और जो जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं, कल्टीवेशन का मतलब है कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का प्रोसेस हम करते हैं, और कहाँ करते हैं? किसी एक खास जगह पे, एक लार्ज स्केल के रूप में, बड़े पैमाने पर हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए करेंगे, या फिर सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, ठीक है। या मनुष्य अपने उपभोग के लिए कर रहा है तो उसको जो है सब्सिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो पौधों का यह समूह होता है जो किसी खास स्थान पर हम उसका कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, ठीक ना, प्रॉफिट के लिए, तो उसी को हम जो है क्रॉप बोलेंगे। अब देखते हैं प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन को ही प्लांट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट और बायोमास पर यूनिट एरिया। यानी प्लांट पॉपुलेशन क्या है या प्लांट डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो है मैक्सिमम यील्ड के लिए। देखिए, ये खास ध्यान में रखने वाली बात है कि मैक्सिमम आउटपुट, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए, या फिर मैक्सिमम जो हो बायोमास का प्रोडक्शन करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने पौधों की संख्या से जो हम मैक्सिमम यील्ड पा सकते हैं या मैक्सिमम जो है उपज प्राप्त कर सकते हैं, बायोमास मिल सकता है, वही जो है प्लांट डेंसिटी होता है, ठीक है। एनी इंक्रीजेज बियॉन्ड दिस स्टेज रिजल्ट इन आइदर नो इंक्रीज और रिडक्शन इन बायोमास। तो नंबर ऑफ प्लांट्स होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांट का पॉपुलेशन रहेगा कि हमें जो मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। ये हम कल्टीवेशन से कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस से कर सकते हैं, या फिर साइंटिस्ट लोग इसको बताते हैं, ठीक है। तो उसके तहत हम जो है अनुमान लगा सकते हैं कि इतना प्लांट पॉपुलेशन रहेगा तो सही रहेगा। तो उस प्लांट पॉपुलेशन से अगर प्लांट उसमें कम हो जाता है, प्लांट का पॉपुलेशन अगर कम रहेगा तब भी जो क्या होगा कि बायोमास में रिडक्शन होगा, अगर उससे ज्यादा
उस ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा भी अगर पौधों की संख्या हो जाती है तब भी हमारी यील्ड जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होगा तब भी दिक्कत है, कम होगा तब भी दिक्कत, उन दोनों केस में जो है यील्ड कम हो जाता है। इसलिए जो है हमें ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पता करना पड़ता है। ठीक है, तो प्लांट पॉपुलेशन हो गया। इसके बाद इसका इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, इसमें पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट है यील्ड ऑफ एनी क्रॉप डिपेंड्स ऑन फाइनल प्लांट पॉपुलेशन। फाइनल प्लांट पॉपुलेशन इसका मतलब क्या होता है, फाइनल प्लांट पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि सोइंग से लेके या ट्रांसप्लांटिंग से लेके जब वेजिटेटिव फेज उसका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसमें पेनिकल इनिशिएशन के स्टेज तक पहुंच जाती है क्रॉप, या ये कहिए कि उसका वानस्पतिक वृद्धि कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज आता है, यानी कि जिससे जो है यील्ड हमें मिलती है वो फेज आता है। तो जब मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है तो उसी को हम फाइनल प्लांट पॉपुलेशन बोलेंगे। उस स्टेज में जितने पौधों की संख्या रहेगी वही फाइनल प्लांट पॉपुलेशन। तो जितना प्लांट पॉपुलेशन रहता है वही हम निर्धारित करता है कि यील्ड कितनी होगी। ठीक है, किसी भी क्रॉप में कितनी यील्ड होगी ये प्लांट पॉपुलेशन से ही पता चलता है। सेकेंड पॉइंट है द प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन जर्मिनेशन परसेंटेज एंड सर्वाइवल रेट इन द फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर हमने सोइंग कर दिया है, लेकिन सोइंग में हमने जब सीड सोइंग किया है तो सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होगा तो प्लांट पॉपुलेशन भी कम होगा। जर्मिनेशन परसेंटेज अगर अच्छा है तो प्लांट पॉपुलेशन भी अच्छा होगा। तो ये प्लांट पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है उस सीड का, और साथ ही साथ वहाँ पे सर्वाइवल रेट कैसा है, यानी कि फील्ड की कंडीशन कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा वहाँ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा। थर्ड है अंडर लो प्लांट पॉपुलेशन इंडिविजुअल प्लांट यील्ड विल बी मोर ड्यू टू वाइड स्पेसिंग। यानी कि प्लांट पॉपुलेशन अगर कम रहेगी किसी एरिया में तो क्या होगा, वहां पे वाइडर स्पेसिंग हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिंग जो है बढ़ जाएगा। तो स्पेसिंग जब बढ़ जाएगा तो सभी को जो है एक प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम रूप से जो है उन्हें सॉयल मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रेंट मिलेगा, सोलर रेडिएशन मिलेगा, प्रॉपर स्पेस मिलेगा। तो वहां पर यूनिट जो है पर प्लांट का यील्ड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, पर प्लांट का यील्ड जो है बढ़ जाता है अंडर हाई प्लांट पॉपुलेशन। देखिए यहां पे लिखा है प्लांट यील्ड विल बी मोर लिखा है ना, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो लो प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट पर मतलब किसी एक एरिया में जो है हम पूरे यील्ड की अगर बात करेंगे, पूरे एक यूनिट की बात करेंगे तो उससे यील्ड तो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक सिंगल प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट जो है बहुत बहुत जो अच्छे से जो है डेवलप होंगे। ठीक है, तो उस केस में जो है सिंगल इंडिविजुअल प्लांट का तो यील्ड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए अंडर हाई प्लांट पॉपुलेशन, और जब प्लांट पॉपुलेशन अगर हम बढ़ा देते हैं, उनकी संख्या बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा कि इंडिविजुअली प्लांट यील्ड विल बी लो। तो पर पौधे की जो है यील्ड तो कम रहेगी, लेकिन कम क्यों रहेगी, क्योंकि नैरो स्पेस हो जाएगा। अगर प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाता है तो स्पेस उनको कम मिलेगा, स्पेस कम मिलेगा, मॉइस्चर कम मिलेगा, न्यूट्रंस कम मिलेंगे, सोलर रेडिएशन कम मिलेगा। तो इसकी वजह से पर प्लांट जो है यील्ड हमें कम मिलेगी। ठीक है, लेकिन नैरो स्पेसिंग लीडिंग टू कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, तो प्लांट्स के बीच में जो है कंपटीशन ज्यादा होगा, इस वजह से जो है पर प्लांट यील्ड हमारी कम हो जाती है। इसके बाद यील्ड पर प्लांट डिक्रीजेज ग्रेजुअली एज प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इज इंक्रीज्ड। अगर जो है क्या है कि यील्ड जो है पर प्लांट डिक्रीज होगा तब जब प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेगा। प्लांट पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो यील्ड हमारी कम होगी। ठीक है, क्योंकि नैरो स्पेसिंग हो जाएगा, नैरो स्पेसिंग होगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा एक पौधे का दूसरे पौधे से, और रिसोर्स भी सभी में डिवाइड हो जाएंगे। इस वजह से जो है कंपटीशन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो इस वजह से यील्ड जो है कम हो जाएगी अगर प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो। बट यील्ड पर यूनिट एरिया इंक्रीजेज अप टू सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन क्या होगा कि यील्ड जो हमारी है, यील्ड हमारी बढ़ेगी। ठीक, अगर हम प्लांट पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं
तो वहां पे यील्ड तो पर यूनिट एरिया बढ़ेगी, लेकिन इंडिविजुअली जो प्लांट के हम यील्ड देखें, किसी सिंगल प्लांट की यील्ड देखें, तो वो जो है कम हो जाती है, ठीक है। दैट लेवल ऑफ प्लांट पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम जो है प्लांट पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि एक खास लेवल तक ही जो है वो एक खास पॉइंट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक जो प्लांट पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा वहां पे कि यील्ड हमारी पर यूनिट भी कम आएगी, ठीक है, और इंडिविजुअली भी कम आएगी। तो यहाँ पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि हम ऐसे स्पेसिंग वहां पे रखें प्लांट का, या नंबर ऑफ पर प्लांट जो है हम इस हिसाब से रखें कि वहां पे जो है पर यूनिट एरिया, या ये कहिए कि एक हेक्टेयर में हम इतना प्लांट पॉपुलेशन रखें कि उसको जो है उसमें कंपटीशन ना हो और वहां पे तब जो है मैक्सिमम यील्ड प्राप्त होगी, ठीक है। सो टू गेट मैक्सिमम यील्ड पर यूनिट एरिया ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इज नेसेसरी। सो द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर ईच क्रॉप शुड बी आइडेंटिफाइड। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी क्रॉप में प्लांट पॉपुलेशन कितना रखना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वहां पे ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना है। तो सभी क्रॉप का हमें डिसाइड करना होता है, हमें देखना होता है कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है। अगर आप जितना स्पेसिंग जो है सजेस्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो वो हमारा जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ही होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात वहां पे जो है यील्ड हमें जो है मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब फार्मूले की बात करें कि प्लांट पॉपुलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो है प्लांट पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया, एरिया जो है मीटर स्क्वायर में रहेगा और स्पेसिंग भी जो है मीटर स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि एरिया हमारा 1 हेक्टेयर है, तो 1 हेक्टेयर में जो है 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। और स्पेसिंग मान लीजिए कि स्पेसिंग तो सेंटीमीटर में दिया रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, और जब मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद जितना आएगा वही हमारा प्लांट पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सीधे सीधे क्या करेंगे कि ऊपर जो है अगर सेंटीमीटर में इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने का, 100 × 100 का। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 4 लाख प्लांट पॉपुलेशन आएंगे, ठीक है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर के हिसाब से 25 × 10 का, तो लगभग 4 लाख जो है पर हेक्टेयर जो है हमारी प्लांट पॉपुलेशन होती है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्लांट पॉपुलेशन को कम करते हैं। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 2 फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है कि साइज ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट का साइज डिपेंड करता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्लांट है जैसे अरहर का है, ठीक है ना, PGLP का अगर प्लांट है और एक व्हीट का जो है प्लांट है, तो व्हीट का क्या है वो जो है नैरो, उसका साइज जो है साइज बहुत नैरो रहेगा, यानी संकीर्ण रहेगा, छोटा रहेगा। और अरहर का जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है। तो अरहर का जगह ज्यादा घेरेगा और व्हीट का कम घेरेगा, इसलिए जो है साइज मैटर करता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना रहेगा। अगर बड़ी साइज के प्लांट हैं तो उसमें जो है नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएंगे एरिया के हिसाब से। दूसरा जो है इलास्टिसिटी ऑफ द प्लांट, इलास्टिसिटी ऑफ प्लांट यानी कि बहुत सारे प्लांट में जो है ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस होते हैं या टीलर्स होते हैं, तो ब्रांचेस अगर रहेंगे, ब्रांचेस में भी ब्रांचेस रहते हैं, मेन ब्रांच, सब ब्रांच, ठीक है, ऐसी ब्रांच में भी ब्रांचेस होती हैं, तो ऐसी इसमें क्या इलास्टिसिटी रहेगा, वो जो है
प्लांट मूव करता रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है हमें एरिया स्पेस उसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ता है, तो उसके इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है प्लांट पॉपुलेशन कितना रखना है। इसके बाद फॉरेजिंग एरिया और सॉयल कवर। फॉरेजिंग एरिया यानी कि कितना जो है पत्तियों का विन्यास है, कितना नंबर ऑफ लीव्स हैं। मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और अब इसका फॉरेजिंग एरिया जो होगा, ठीक है ना, ये सॉयल सरफेस है, तो फॉरेजिंग एरिया होगा पूरा इतना, ठीक है ना, पूरा इतना फॉरेजिंग एरिया, यानी कि वो कितना एरिया को कवर कर रहा है वही फॉरेजिंग एरिया होता है, या फिर ये कहिए कि कितना वो सॉयल को कवर कर रहा है, ठीक है, तो अब सॉयल ये है तो सॉयल कवर इतना कर रहा है, ठीक है ना, इतना जो है सॉयल को कवर कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट पॉपुलेशन कितना होगा। नेक्स्ट है, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा है ड्राई मैटर पार्टिशनिंग और क्रॉप कैनोपी। यानी कि अगर क्रॉप कैनोपी यानी कि पत्तियों का जो है, कैनोपी का मतलब होता है एक तरह से पत्ती, ठीक है ना, पत्ती समझिए क्रॉप का, तो क्रॉप कैनोपी क्या करता है, पत्तियों में ही जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है फोटोसिंथेट्स जो है सिंक हो जाते हैं, तो सिंक हो जाते हैं या कहिए कि उसमें इकट्ठा होते हैं, तो पत्तियां बहुत ज्यादा मोटी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी हम जो है कितना उसमें ड्राई मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका साइज कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से भी हम जो है प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं। इसके बाद पांचवा है क्रॉप एंड वैरायटी। तो डिपेंड करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीजीएनपी और वीट का, तो क्रॉप पे डिपेंड करता है कैसी क्रॉप है, उस हिसाब से हम जो है प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। इसके बाद वैरायटी की बात करें, तो वैरायटी में कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो शॉर्ट टाइप की होती हैं जिसकी हाइट कम होती है, कुछ जो है लॉन्ग टाइप की होती है जो जिनकी हाइट बड़ी होती है, कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो वर्टिकल ग्रोथ करती हैं, ठीक है, फैलते हुए ग्रोथ करती हैं, और कुछ जो है वर्टिकल ऊपर की तरफ जो है बढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से भी हम जो प्लांट पॉपुलेशन को जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रहा है तो क्या होगा, लेटरल या हॉरिजॉन्टल है तो इसमें स्पेसिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना, स्पेसिंग हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर वर्टिकल है तो इसमें स्पेसिंग कम देनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा जो है जेनेटिकल फैक्टर। अब इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, पहला है टाइम ऑफ सोइंग, आप किस समय सोइंग कर रहे हैं। अगर नॉर्मल डेज में सोइंग कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर बहुत जल्दी सोइंग करना तब भी हमें जो है प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ सीड ज्यादा देना पड़ता है, और अगर जो है लेट से भी अगर सोइंग आप कर रहे हैं तो उसमें भी हमें जो है ज्यादा देना पड़ता है, प्लांट पॉपुलेशन हमें ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है जर्मिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बाद में फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन आती है तो उसमें भी जो है प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाता है। इसके बाद सेकेंड है रेनफॉल एंड इरीगेशन। तो आप रेनफॉल कितना हो रही है, इरीगेशन हम कितना दिए हैं, इस पर डिपेंड करता है प्लांट पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि जितना ज्यादा संख्या रहेगी पौधों की उतना ज्यादा वो जो है मॉइस्चर लेगा सॉइल से, ठीक है। तो नंबर थर्ड है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, आप फर्टिलाइजर कितना अप्लाई कर रहे हैं किस हिसाब से, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि यह जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं पौधों को और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, तो फर्टिलाइजर अप्लाई आप कैसे कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो है प्लांट पॉपुलेशन बढ़ेंगे घट भी सकते हैं, ठीक है। नंबर फोर है सीड रेट, तो सीड आप कितना अप्लाई कर रहे हैं उस सीड पे ही टोटल डिपेंड होता है कि कितना जो प्लांट पॉपुलेशन होगा। इसके अलावा बाकी जो फैक्टर हैं उनके हिसाब से जो है अगर सही है फैक्टर सभी तो फिर प्लांट पॉपुलेशन अच्छा होता है, नहीं तो बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखिए प्लांट जियोमेट्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स इन डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इन एन एरिया टू यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेस एफिशिएंटली इज कॉल्ड क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री हम उसको कहते हैं कि प्लांट को हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं रो और कॉलम में। मान लीजिए कि ये फील्ड है हमारा, अब इस फील्ड में जो है हमें डिफरेंट रोज एंड कॉलम को अरेंज करना है, ठीक ना, इसको अगर हम अरेंज करते, मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम हो गया, ये रोज हो गई, ठीक है, ये हमारा रो हो गया, अब यहाँ पे हमने प्लांटिंग किया है,
यहाँ पे हमने पौधों को लगाया है, क्या होगा? ये मान लीजिए कि हमारी जो है बड है, ठीक है, तो हमने जो है इस तरह से जो है अरेंजमेंट किया है। ये क्या है, यहाँ पे हमने प्लांट लगा दिया, तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेसिंग हो रही है, इसके बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग है, पौधों के बीच से एक पौधे के दूसरे पौधे के बीच में भी जो है स्पेसिंग प्रॉपर है। तो एक तरह से क्या हो रहा, ये अरेंजमेंट हो रहा है रो और कॉलम का, ठीक है। और हमने यहाँ पे प्लांट को लगाया, तो प्लांट का भी क्या होगा, अरेंजमेंट हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह हम किसी किसी यूनिट एरिया में हम जो है अरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं प्लांट का रो और कॉलम में, वही हमारा जो है क्रॉप जियोमेट्री कहलाता है। और एक चीज ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हम अरेंजमेंट ऐसे करें ताकि जो है उनके अंदर कंपटीशन ना हो, एक पौधे का दूसरे पौधे से कंपटीशन ना हो। जितने भी ग्रोथ के फैक्टर्स हैं, चाहे सोलर रेडिएशन हो या स्पेस हो या मॉइस्चर हो या न्यूट्रिएंट्स हो, इन सभी का जो है कंपटीशन नहीं होना चाहिए था। इसलिए कहा गया कि रिसोर्स एफिशिएंटली, यानी कि अच्छी तरीके से वो जो रिसोर्स को आसानी से ले सकें, इस तरह से हमें अरेंजमेंट करना होता है प्लांट का। ये हमारा क्रॉप ज्योमेट्री, ठीक है। अब क्रॉप ज्योमेट्री कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है रैंडम प्लांट ज्योमेट्री। रैंडम प्लांट ज्योमेट्री यानी कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, प्लांट जो है फिक्स नहीं रहता है या रैंडमली रहता है। अगर मान लीजिए कि आपने सीड को जो है ब्रॉडकास्टिंग कर दिया है, तो ब्रॉडकास्टिंग अगर आप करते हैं तो इसमें जो है कहीं पे प्लांट ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे प्लांट जो है बहुत पास हो जाएंगे, कहीं प्लांट एक प्लांट के दूसरे प्लांट से दूरी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रैंडम प्लांट ज्योमेट्री यानी कि स्पेसिंग जो है इसमें फिक्स नहीं रहेगा किसी भी प्लांट का, ठीक है। कोई बहुत नजदीक हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। दूसरा क्या, स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया, तो इस तरह अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसको हम स्क्वायर प्लांट ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड है रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग। रेक्टेंगुलर मेथड ऑफ सोइंग यानी कि हम जो है इसमें इस शेप में करते, जो हमारा शेप होता है वो प्लांट का अरेंजमेंट का रेक्टेंगुलर होता है। यानी जैसे कि पहला है सॉलिड रो, इसमें जो है सॉलिड रो है, पेयर्ड रो अरेंजमेंट है, स्कीप रो और ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो रेक्टेंगुलर में क्या है कि एक तरह से त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है रेक्टेंगुलर है तो इसमें क्या है कि मान लीजिए सॉलिड रो है, ठीक है, पहला सॉलिड रो है। सॉलिड रो में क्या होता है कि हम प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो फिक्स नहीं रहती है, वो फिक्स नहीं रहती है। कॉलम जो होता है वो फिक्स होता है। अगर मान लीजिए कि रो, हमने ये रो बना दिया है, ठीक है, रो तो बन गया है, लेकिन जब हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट हम सोइंग करते हैं, मान लीजिए जैसे मस्टर्ड हो गया या वीट हो गया, उसको तो हम जो है रो में सोइंग करते हैं, लेकिन एक प्लांट का दूसरे प्लांट के बीच की दूरी हम जो फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसमें रैंडमली वो लगा रहता है, तो उसको वो जो है रेक्टेंगुलर मेथड आप सोइंग में आता है, ठीक है, सॉलिड रो, जो रो होता है वो सॉलिड होता है। इसके बाद भी देखिए पेयर्ड रो अरेंजमेंट। पेयर्ड रो अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि एक रो के साथ जो है कई किस्म की जो है वहां पे हम क्रॉप लगा सकते हैं। जैसे कि ये रो है भैया, ठीक है, मान लीजिए ये रो है। अब इसमें जो है जनरली इसमें क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग जो होती है, अंतर सस्य हम जिसको बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग वाली क्रॉप इसमें हम ग्रो करते हैं पेयर्ड रो अरेंजमेंट में। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है मस्टर्ड कर दिया, यहाँ पे तीन रो में हमने मस्टर्ड किया, दो रो में हमने जो है वीट कर दिया, वीट। तो ये क्या हुआ, ये पेयर्ड हो गया, एक रो जो है मस्टर्ड की, तीन रो हो गई, दो वीट की हो गई, इस हिसाब से जो है ये पेयर्ड रो सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद सी है स्कीप रो। स्कीप रो में क्या होता है कि हम एक रो छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है एक रो में लगाया, दूसरे रो में हमने खाली छोड़ दिया, उसमें कोई भी क्रॉप हमने सोइंग नहीं किया है। तो इसी तरह एक एक रो को छोड़ते हुए एक रो में बोएंगे, दूसरे रो में हम सोइंग नहीं करेंगे, इस हिसाब से जो इसको स्कीप रो मेथड्स हो गया। लास्ट है ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो ट्रायंगुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग में क्या होता है कि जो प्लांटिंग हम करते हैं उसकी स्पेसिंग हम बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग हम प्लांट टू प्लांट की बढ़ा देते हैं, और रो का रो टू रो जो है वो सेम रहता है। इसमें जैसे कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, इसमें हम स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, ठीक है।
ये पूरा जो है लेक्चर आज का, प्लांट पॉपुलेशन किसको कहते हैं, प्लांट किसको कहते हैं, क्रॉप्स किसको बोलते हैं, प्लांट पॉपुलेशन और प्लांट जियोमेट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।